लखीमपुर खीरी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पूरा मामला लखीमपुर खीरी के थाना निगासन के ग्राम पठाना पुरवा के मासूम अली पुत्र हापुर अली की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया गया है। अभी कुछ भी साफ नहीं हो पाया है कि किसने और किस वजह से इस युवक की हत्या की है। और कहाँ रहते हो? पठानपुर। क्या घटना हुई जो आप यहाँ चिलखाने आए? घटना ये हुई कि सर हमारे बहनोई को मार दिया गया है और हमारा बहनोई अपनी बहन के वहाँ गया था, कुछ बात थी, तो वहाँ इनको गलेटी लगा के रहीस प्रधान और मुश्ताक के लड़के और मुश्ताक इनको जो है वही मारने लगे, मतलब रास्ते पर उनके गोली मार दी रास्ते पर। जब उसके बाद में एक लड़की वहाँ उनकी बहने गई बचाने के लिए तो उसको भी गाली पकड़ी देके उसको मार पीट के वहाँ से भगा दिया गया। फिर इनको उठा के ले गए, फिर घर के ऊपर जो है इनको मारी बांकों से और भगौड़ियों से। पहली गोली किसने मारा है? पहली गोली रहीस प्रधान और नसीम, एक लोग ने मारा है जी। रहीस प्रधान, रहीस प्रधान ने मारा है जी। बगौड़ी किसने मारी है? वो मारी ने नसीम, नसीम उनके पापा का नाम है। मुश्ताक वो भी मारी ने, वो भी मारी ने जी। क्या कोई दुश्मनी थी? दुश्मनी सर उनकी कोई नहीं थी, यही टिकटर की चोरी लगा रहे थे। वो रहीस प्रधान उनको पकड़ के जो है पुलिस के हवाले भी कर दिया था। जब वो निर्दोष थे तो उनको पुलिस वालों भी जो है दफा 25 में चालान कर दिया था, कोई मतलब जो है केस नहीं लगाया था कि वो निर्दोष थे। पुलिस जांच में लगी थी, जांच करके जब वो निर्दोष पाए गए तो कोई इल्ज़ाम इनके ऊपर टिकटर का नहीं था। फिर भी जो है रहीस प्रधान इनको खड़े होकर थाना उनका क्या नाम है निगासन नहीं वहाँ बंद करवाना है ईसानगर में जो है रहीस प्रधान ने मार खिलाया। वहाँ के मतलब दरोगा जी से जो है बहुत लेने देने की कोशिश की, बहुत दरोगा जी अच्छे थे जो उनकी बात रहीस प्रधान की नहीं माने। कितने दिन पहले चोरी का आरोप लगाया था ये सर? कम से कम एक साल पहले। महमूद अली कहाँ रहते हो? पठानपुर। क्या मामला हुआ जो आप यहाँ आए? यहाँ अपने भाई की लाश के संग आए। कैसे घटना हुई? इसको बुला के मार डाले हैं मुश्ताक। किस कारण मारे गए? पुरानी रंजिश थी इससे पहले क्या? कोई रंजिश ना रहा है साहब। किस कारण मारे गए? ये इसका वो चोरी या टिकटर की चोरी लगा रहे थे, इसका टिकटर कोई जला दिया रहा है, इसलिए हमारे भाई कहाँ लगा थे ना कि टिकटर ये है जलाई नहीं। तो किसका टिकटर था? वो मुश्ताक का था। मुश्ताक का रिपोर्ट कर दिया, जेल भेज दिया, मार भी खिला दिया। उसके बाद में जो हमारा भाई वहाँ के दरी पुरवा गया उसको पकड़ कर मार दिया। वो अपनी बहन के घर जा रहा था, घर के अंदर मारा है। हाँ घर के अंदर मारे, बहन के घर के अंदर नहीं, वहाँ से पकड़ के ले गए। पकड़ के ले गए तो मोदली कहाँ रहते हो? पठानपुर। क्या मामला है जो आप पीएम हाउस पे आए हैं? मामला हमारे भाई की लाश यहाँ आई है, इसीलिए आए हैं। तो सेम जो होता है वही करवाना है। आपका भाई कहाँ का निवासी था? पठानपुर। तो क्या हुआ है? उसको मारा गया, कत्ल किया गया। तो किसने मारा है? मुश्ताक हैं और उसके लड़के हैं और रहीस प्रधान हैं। किस चीज़ से मारा है? गोली बीमारी नहीं है, भगौड़ी बांके से खांदा। तो भगौड़ी बांके से खांदा गया। थाने गए थे आप लोग? हम लोग नहीं गए हैं, थाने की पुलिस आई थी घर पे। हाँ वहीं जहाँ पे मर्डर हुआ है वहीं पुलिस आई थी। वहीं आई थी। पुलिस ने क्या बताया? बताया कि आप पोस्टमार्टम करके यहाँ भेज दिया है। फिर यहाँ से जब जागी तो क्या बताया था कार्रवाई के लिए? कुछ भी नहीं बताया। कुछ भी नहीं बताया। आप लोगों ने कहीं तहरीर दी है? कहीं नहीं दी। अभी दी नहीं?